नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेवाती ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग जिसमें कच्चे माल, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मिट्टी से दिए, कुल्हड़ या दैनिक उपयोग में आने वाले कई चीजें बनाना इसमें शामिल है। देखिए, बेसिकली हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग में जो जितनी भी विलेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तो ग्रामोद्योग जितने भी होते हैं उनके लिए जितना भी हम अगर बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें, तो कच्चे माल की अगर बात करें तो ज़्यादातर वो कृषि आधारित ही होते हैं। कृषि आधारित जितने भी उत्पाद होते हैं उनका वैल्यू एडिशन या उनका प्रोसेसिंग या वहाँ पे स्थानीय जो भी मिनरल्स हैं, कुछ भी मान लीजिए मिट्टी ही है, अगर मिट्टी से ही दिए बनाएंगे या कुल्हड़ बनाएंगे या मिट्टी के बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल आइटम्स बनते हैं, मिट्टी के बहुत सारे ऐसे दैनिक उपयोग में उपभोग किए जाने वाले ऐसे आइटम्स बनते हैं, या जो भी हमारे कृषि या पशुधन के ऊपर आधारित उत्पाद हैं लाइक दुग्ध उत्पाद हैं या कृषि आधारित बहुत सारे ऐसे हमारी जो उपज होती हैं, तो उनके वैल्यू एडिशन से रिलेटेड जितना भी है इसके ऊपर ही ग्राम उद्योग का के अंतर्गत ही ये परिभाषा में आता है। तो इस सब के ऊपर काम किया जाता है। साथ ही अगर स्थानीय जितने भी उत्पाद हैं वो कच्चा माल होते हैं आगामी प्रोसेसिंग के लिए, तो उनमें अगर वैल्यू एडिशन की जाए तो उससे आय बढ़ जाती है और इसी के ऊपर काम किया जाता है, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो दूसरे तरह की जो शासकीय स्वरोजगार योजनाएं जो हैं आयोग के द्वारा संचालित की जाती हैं, अलग अलग लक्षित वर्ग के लिए अलग अलग रोजगार योजनाएं संचालित की जाती हैं, तो उन सब के ऊपर काम किया जाता है। अब शिक्षित या युवा बेरोजगार के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग नाना प्रकार की योजनाएँ हैं। जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो पात्र हितग्राही हैं वे आवेदन करके 25 लाख रुपये तक की अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं, जिसमें उनको यदि वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी की उसमें पात्रता है, लेकिन अधिकतम मैं बता देता हूँ उसमें अधिकतम 35% तक उसमें मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में, वैकेंट सब्सिडी के रूप में उनको इसमें उपलब्ध होता है। और 3 साल में अगर वो उसको समय पे अगर उसका पुनर्भुगतान करते हैं, इकाई को अच्छे से संचालित करते हैं और हमारी अलग अलग उसमें छोटी छोटी सी उसमें योजना की शर्तें हैं। और अब आज जम्मू की कर लेते हैं, जहां सिकंदरा के जाने मारे समाज सेवक गुड्डू यादव और उनकी पत्नी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ सिकंदरा के पूर्वी जिला परिषद पद को लेकर जिला के अनुमंडल में पर्चा दाखिल किया। बता दें कि गुड्डू यादव की पत्नी दुलारी देवी सिकंदरा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार वह 3री बार मैदान में है और लोगों का अपार समर्थन भी उन्हें मिलता दिख रहा है। जनता का जो भी है हम लोग सेवा करेंगे, जो काम होगा सब। क्या कहना चाहेंगे आप किसके पीछे? आपकी धर्म पत्नी है दुलारी और लगातार ये तीसरी बार चुनाव में आई है मैदान में, तो क्या अपील? मसौड़ी में स्वर्गीय गिरीश सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि डीएन कॉलेज मसौड़ी के फाउंडर मेंबर रहे स्वर्गीय गिरीश सिंह की पुण्यतिथि उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस मौके पर महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। मौके पर उनके पुत्र अश्वनी कुमार के अलावा महाविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं अररिया नगर थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकई लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है, जो राजगढ़ जिला पटियाला पंजाब का रहने वाला है। मामले की जाँच की जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी मद्य निषेध इकाई को और अररिया नगर थाना पुलिस को कि बंगाल से एक शराब का बड़ा खेप लेके ट्रक से चलने वाला है। इस पर लोग सब रेकी कर लगे हुए थे और जब 0 माइल के पास ट्रक लगा हुआ था, जो आपको HP पेट्रोल पंप है इंडिया फ्यूल्स, वहां जाके देखा तो एक ट्रक है। उसको पुलिस पार्टी को पहुंचने पर उसमें जो ड्राइवर था वो भागने लगा, उसको पकड़ा गया।
अरवल जिले के वंशी सूर्यपुर प्रखंड में सोनभद्र पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के रूप में विभा देवी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि अगर सोनभद्र पंचायत की जनता हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो सभी वर्गों को साथ लेकर पंचायत में विकास का काम करूंगी। नाम क्या हुआ? किस पंचायत से आप नॉमिनेशन दाखिल किए हैं? किस पद के लिए? धन्यवाद। सहरसा जिले के सिबरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल टॉयलेट की वैन सड़क किनारे रखी हुई दिखी। ऐसे में नगर पंचायत पर कई सवाल खड़े हो रहे। आखिरकार इन सभी चलंत शौचालय को सार्वजनिक स्थान, भीड़ भाड़ वाले इलाके सहित प्रखंड कार्यालय में होने चाहिए, लेकिन ये सार्वजनिक स्थानों में होने के बजाय पंचायत कार्यालय के बगल में रखी हुई है। ऐसे में सभी शौचालय वैन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। नगर परिषद पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। इनको सिर्फ जहाँ पे कमीशनें आती है, जहाँ पे लूट वाली फाइलें होती है, बस उसी में इनका मन लगता है। जहाँ पे सार्वजनिक, जहाँ आम आदमी का लाभ हो, आम आदमी को जिस योजना से सहूलियत हो, जिनमें सहायता मिले, उस पे पूरी तरह से नगर परिषद सिंगरी बख्तियारपुर गंभीर नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट जिसको कहते हैं चलन फिरत शौचालय, यहाँ पे कई शौचालय आपको ऐसे ऐसे जगह पे सराया जा रहा है जहाँ पे उनका कोई उपयोग नहीं है, जबकि इन शौचालय को स्टेशन चौक पर, शर्मा चौक पर, ब्लॉक में होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ इलाका होते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में सिमरी बख्तियारपुर मार्केट में राहगीर आते हैं गाँव से। जब उनको पेशाब की दिक्कतें होती है, जब उनको सोच की दिक्कतें होती, तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को, उन सब समस्याओं को हल करने के लिए नगर परिषद ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके चलन शौचालय खरीदे हैं, लेकिन इनका आपको आश्चर्य लगेगा क्या कि आज ये चलन शौचालय पूरी तरह से जंग खा रही है, पूरी तरह से बर्बाद होने पर तुला हुआ है। बात सुपौल की कर लेते हैं, जहां प्रतापगंज प्रखंड में दूसरे चरण का चुनाव 29 सितंबर को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है। वह निर्वाचन पदाधिकारी सह RDO राम पासवान ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग पर प्रत्येक आने जाने वाले प्रत्याशियों का कागजात चेक किया और फिर अंदर जाने का परमिशन दिया गया। नॉमिनेशन के लिए पदवार अलग अलग टेबल काउंटर, नॉमिनेशन काउंटर बनाया गया है, जिसमें कि वार्ड सदस्य के लिए 3 काउंटर है, पंच के लिए 3 काउंटर है, और 3-3 पंचायत का एक एक काउंटर बनाया गया है वार्ड सदस्य और पंच के लिए, और सब पदों के लिए एक एक काउंटर है। और विधि व्यवस्था संधारण है तो 5 जगह पर 5 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी अपने अपने स्थल पर मौजूद हैं। पदवार जो नामांकन पत्र लेने के लिए जो काउंटर बनाए गए हैं, सभी जगह वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है, जो सभी अपने जगह मौजूद हैं, कर रहे हैं। बात सुपौल की कर लेते हैं, आज़ादी के 75 साल को जहां सारा भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भी असम के तेजपुर से चलकर 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचने का बीड़ा उठाया है। वहीं रैली के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास भी किया गया। वहीं सशस्त्र सीमा बल के जवानों की साइकिल टीम सुपौल पहुंची, जहां उनका स्वागत भी किया गया। ये हमारी साइकिल, SSB की साइकिल रैली तेजपुर असम से 25 अगस्त को चल के आज बीरपुर पहुंची है, और 5 तारीख को ये अररिया क्षेत्र में या पूर्णिया सेक्टर के इलाके में प्रवेश हुआ है, और अभी इसने, इस रैली ने अभी आगे बिहार के बाकी क्षेत्र तथा यूपी होते हुए राजघाट दिल्ली में 2 अक्टूबर तारीख तक पहुंचेगी। सर, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अनेकता, और ये मैसेज को देते हुए, और जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन में लोगों को प्रोत्साहित करना वैक्सीन डबल डोज लेने के लिए, तथा फिट इंडिया, अपने आप को फिट रखना है, और एंटीबॉडी, ये इम्यूनिटी डेवलप करना है टू फाइट अगेंस्ट कोविड, और तथा
ग्रीनर एनवायरनमेंट के लिए पेड ये लगाने हैं, सैपलिंग्स प्लांट करने हैं, जो कि हम एसएसबी यूनिट में लगाते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हुए चलेंगे। ये मूल उद्देश्य है। सर्वप्रथम तो सशस्त्र सीमा बल का जो ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, उसी को लेके हम चले हैं। देन जैसा डीआईजी सर ने बताया है कि हम लोगों में अनेकता और अखंडता को लेके, एकता पूरे राष्ट्र में एकता और अखंडता का पैगाम लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को भी हम साइकिल रैली के क्रम में देख सकते हैं। खबर सासाराम से है जहां रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बाइक से फ्लैग मार्च किया। सासाराम के अलावे दरेहट अकोढ़ी गोला में भी एसपी ने बाइक पर सवार होकर मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी आशीष भारती ने बताया कि पंचायत चुनाव के अलावे आने वाले दिनों में विभिन्न पर्व त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वे खुद बाइक से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि अपराधियों में खौफ हो और आम लोगों में विश्वास पैदा हो। जो आगामी पंचायती चुनाव को देखते हुए तथा जो विभिन्न पर्व त्यौहार को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव को लेकर के डेहरी से लेकर के सासाराम तक विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है। बिहार में विधानसभा की दो रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यालय में खगड़िया क्षेत्र से आने वाले मनोहर कुमार यादव को आरजेडी की सदस्यता दिलाने के बाद तेजस्वी ने उपचुनाव को लेकर हुंकार भरी। तेजस्वी ने कहा कि इन दोनों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बेमानी कर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरवाया गया था, लेकिन इस बार हमारी जीत पक्की है। बिहार के भविष्य के लिए हम सब लोग खड़े हैं। हम सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छोटे छोटे मतभेद को मिटाना पड़ेगा और मिलकर के सकारात्मक रूप से पार्टी के मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। और इस बार कभी देखिएगा दो जगह बाय इलेक्शन भी है। एक आपका तारकपुर में बाय इलेक्शन है और दूसरा जो आपका चुनाव होने जा रहा है कुशेश्वर स्थान में बाय इलेक्शन होगा। और जो रिजल्ट आया है बेमानी वाला ही सही, उसमें ज्यादा का अंतर नहीं है। दो जो सीट है ये बड़ा महत्वपूर्ण सीट है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों सीट पर जो है महागठबंधन का जीत होगा। लोगों ने देख लिया ये लोग केवल वादा करते हैं, काम नहीं करते, केवल भाषण करेंगे, कोई काम नहीं करते। अभी कुशेश्वर स्थान में बाय इलेक्शन है तो वहां मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, बाहर की स्थिति देखते हैं। लेकिन और सब जगह क्या स्थिति है, भयावह स्थिति है। और एक काम जो है बाढ़ को लेकर के लोगों को लेकर के सुविधा पहुंचाई जाए, साधन पहुंचाया जाए, मदद पहुंचाया जाए पूरे बिहार में कहीं। इसलिए हम सब लोगों को अब कमर कसना पड़ेगा, पार्टी के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि दो जगह चुनाव। अभी तो मुखिया जिलों का सब जगह का लोकल बॉडी का चुनाव होगा, पंचायत पंचायत जो है अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है। कोशिश होनी चाहिए कि अपने लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जीते और सब लोगों को जो है ध्यान देने की जरूरत है पार्टी का। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।